नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि देश में कांग्रेस को लगातार मिल रही चुनावों में हार के कारण इनके नेता और कार्यकर्ता डिप्रेशन में चले गए हैं। डूबती कांग्रेस के खेवैया राहुल गांधी कहते हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता डिप्रेशन में है और कार्यकर्ता कहते हैं कि राहुल गांधी डिप्रेशन से बाहर निकले। कांग्रेस पार्टी में हताशा निराशा का माहौल है जो इनके कर्मों के कारण है। कमलनाथ के बैलेट पेपर से प्रदेश में नगरी और पंचायत चुनाव कराने की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब जैसे राज्य में ईवीएम मशीन ने इनका चेहरा दिखा दिया तो इन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है क्योंकि इन्हें हार पच नहीं रही है। मध्य प्रदेश में भी इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह मुंह की खाएगी, इसलिए अपनी हार मानते हुए कमलनाथ नगरी और पंचायतों के चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। पहुंचाते रहे खबरें हम आपको, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।